आसमानों की ऊंचाइयों पे और चारों तरफ बस घूर रही घूर। ये देखो, तेज चलाओ यार। वो ज्यादा तेज मत चला। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए बाइक पे अग्रोहा। अग्रोहा वहाँ पर एक टेम्पल है। अभी सरदा और दो भैया आए हैं यहाँ पर, एक भैया बाहर है। सरदा भी खाना खा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पैक हो चुके हैं क्योंकि बाहर इतनी हवा चल रही है। दोनों के दोनों बिल्कुल एक हुडी के अंदर दूसरी हुडी। खाना खाते हैं फिर निकलते हैं, बाइक पे जाएंगे सारे। तो चलो गाइस, हम रेडी हैं निकलने के लिए। मेरे साथ में साहिल एंड सनी एंड ये मेरा क्लासमेट था बचपन में, वो स्टोरी आपको कभी बताएंगे। फिलहाल चलते हैं। मफलर वफलर सब ले लिया हमने। हेलमेट है तो सही है। क्या कह रही है मम्मी? नहीं, गर्दन पूरी ढक दूंगी ना इसकी। देखो मेरी ढक रही है, मेरी ढक रही है, देखना। कुछ नहीं यार, इसको इसको और ये नो, आपको नहीं ले जा रहे अभी हम। चलो अभी आपको नहीं ले जा रहे, चलो जिसका मन कर रहा है कि इसको भी ले जाए। मम्मी टोपी हेलमेट के अंदर ले, इसको पकड़। लेट कर रहा है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। तीन बाइक हैं, एक R15, एक ड्यूक और एक पल्सर। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा। तो गाइस, जो ये अभी गली है ना, इस गली में हम रह चुके हैं। जो वो कोने वाला घर है ना, वहाँ पे हम किराए पे रहते थे जब मैं पीयूष के जितना था। और जो साहिल है उसका घर ये वाला है, अभी वो गया अंदर कुछ काम से। तो हमारी बहुत लड़ाई होती है तगड़ी वाली, वो दिन याद है। मैं ज़्यादा थोड़े थोड़े मुझे याद है दिन, उस टाइम पीयूष तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो अभी तीनों राइडर आ चुके हैं, एक R15, एक NS200, एक Duke 200। तो चलो चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम इस तरह से राइड कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, हमको आज ही वापस आना है जा कर के। तो चलो अब खींच लो भाई। Sort out the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. You see, बड़ा मजा आ रहा है यार ऐसे राइड करके। अकेले में उतना मजा नहीं आता, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी स्लो क्यों चला रहे हैं। पता नहीं कब पहुंचेंगे यार, 40 की स्पीड चल रहे हैं, कम से कम 70-80 पे तो चलो। वहाँ पहुंच के हमको व्लॉग भी तो बनाना है। बाइक एक्सचेंज करी जा रही है, पीछे अपन भी चलाएंगे, R15 चलाएंगे। तो गाइस, यहाँ से अराउंड 18 किलोमीटर बाकी है बस, तो अभी पहुंच जाएंगे हम 10-15 मिनट के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, 1-2 किलोमीटर बाकी होगा। तो अभी आते हैं, हमको रास्ता नहीं पता है। इस रोड पे हम पहली बार आए हैं और पीयूष का मफलर उड़ चुका है, पता नहीं कहाँ रास्ते में। बाय द वे, ये रोड बहुत प्यारा है भाई, अपने हाँसी वाले रोड से तो बहुत प्यारा रोड है। ये पूरा खुला रोड है, इसमें डर नहीं लग रहा चलाने में बिल्कुल भी। चलो किधर जाना है मेरे को नहीं पता, मेरे को रास्ता नहीं पता यार। यार हेलमेट का जुगाड़ कौन करेगा यार। तो अभी पहुंच तो गए हैं, बट अभी हेलमेट की प्रॉब्लम हो रही है कि हेलमेट का क्या जुगाड़ करें। मैंने अपना कैमरा तो निकाल दिया उसमें से, तभी देखते हैं अगर यहीं पे बाइक पे रखना है या फिर कहीं और। तीनों राइडर्स हमारे पास ये हैं, वो है रोहित, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। क्योंकि आराम से एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं। वो कह रहे हैं कि हेलमेट यहीं पर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं उठा के ले जाएगा। तो यहीं पर रख रहे हैं हम बाइक के ऊपर ही। रख दे पीयूष बाइक पे, टंगा दे दोनों हेलमेट। अरे हाँ, यहाँ पे गुफा भी है, गुफा में भी चलेंगे, पहले मंदिर जाएंगे, पहले मंदिर। अरे हाँ, मंदिर में ही गुफा है। तो सामने है मंदिर, उसी के अंदर गुफा है, तीन गुफा है। वाओ, काफी प्यार है ना। तो पीयूष के हाथ में बॉल, दिखा बॉल, दिखा पहले। अरे दिखा तो दे। तो ये दो बॉल्स हैं, इसके मुंह के अंदर डालनी है, मुझे डर लग रहा है। तो ये बॉल डालनी है इनके मुंह में, फिर देखते हैं क्या होता है। चल डाल डाल डाल, अरे डाल ना। अरे डाल, कुछ नहीं होता ज्यादा, ये पकड़ लेता होता है इधर, वो खींच लेगा अपनी तरफ। क्या है इधर, फट्टू है ये। कैसे, क्या था ये, कुछ हुआ तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं अंकल जी, कुछ हुआ तो नहीं? हमारा वो पोपट हो गया।
डाल डाल डाल। ओहो लाइट जल गई। डाल डाल, मैं डालूंगा एक बार, बंद होने दे, बंद होने दे एक बार। ले मैं डालूंगा, मैं डालूंगा, कैमरा पकड़। तो अभी ये मेरे बैक साइड में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये गुफा है जो कि 2 बजे खुलेगी। अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो आधा घंटा वेट करते हैं। और ये काफी लंबी गुफा है। बैक साइड में रोलर कोस्टर भी है जो कि बंद पड़ा है, बट जो भी ये देखते हैं, जो भी कुछ झूले और हैं वहां पर वो चलते हैं अभी नहीं, बाद में पहले गुफा में जाएंगे। देखो जो ये पूरा एरिया ना, इसके अंदर गुफा है इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर, और जो ये ऊपर ये दिख रही है ना, इसके ऊपर भी जाएंगे हम। थोड़ा सा चल के देखते हैं थोड़ा सा। वाह, तो ये पत्थरों की गुफा बना रखी है पीसी। अभी नहीं जाना, अभी नहीं, 2 बजे ना। अरे आ जाना। तो गुफा खुल चुकी है, अब हम गुफा के अंदर चलते हैं। पीयूसी आराम से। यार भीड़ है यहाँ पर। नहीं इधर भी नहीं जाना, चल इधर जाना है। वाह पीयूसी इधर। वैसे लाइट्स लगी है यहाँ पे, लाइट्स। ओम नमः शिवाय। पीयूसी यार अंधेरा नहीं, अंधेरा होना चाहिए था। पूरी यहाँ पे तो एलईडी लगा रखी है। चल ठीक है चल। सो अभी हम उसी ब्रिज के ऊपर आए हैं। नीचे देख कितना नीचे है, डर नहीं लग रहा? अभी हम शेर के मुंह में से गए थे, वहां से अब इसके ऊपर आ गए हैं। अभी ऐसा एक और आएगा। बाय द वे यहाँ पे अंधेरा नहीं, अंधेरा होता तब मजा आता यार। ओए होए। आप कैमरे की नजर में हैं आप भी। तो अब हम निकले हैं यहाँ से। एक पेड़ में से कितने पेड़ निकले हुए हैं, कितने हैं गिनियो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हैं। चढ़ मत इस पे, चढ़ मत। हनुमान जी से भी मिल लिए हैं और अपनी बाइक भी देख ली है, दोनों सारे हेलमेट वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं हम झूला झूलने। अब झूला झूले चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से झूले हैं वहाँ पे। धूप सही आ गई है। साइकिल वाला एक ही तो है यहाँ पे, और तो है भी नहीं यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे इसमें, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पाइप सी दिख रही है, इसके ऊपर साइकिल चलाएंगे। ये वाली बंद है, ये रोलर कोस्टर है यहाँ पे। लो साइकिल की टिकट तो आ गई, 4 टिकट है। यहाँ भी पीछे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, वो वहाँ पे जाके अटक गए हैं एक दूसरे के पीछे। ठोके जा रहे हैं एक दूसरे को। आगे 3 साइकिल आ गई है। पीछे रेडी रहियो, रिस्क है तो इसका। पीयूसी पीयूष की न्यू साइकिल, मैं आता हूँ। ये पकड़ एक बार, देखा आपने? अच्छा सब्सक्राइबर, क्या नाम है आपका? रुक जाओ रुको, 100 की स्पीड में। रुक जा एक मिनट रुक जा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, चल चल चलो 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 पीयूसी चल। भाई साहब डर तो लग रहा है भाई, चैन तो नहीं उतर गई कहीं, चेन उतर जाए भाई बीच में। तो अभी हम काफी ऊपर, काफी ऊंचाई पे चला रहे हैं साइकिल। आसमानों की ऊंचाइयों पे और चारों तरफ बस घूर रही है। ये देखो तेज चलाओ यार, वो ज्यादा तेज मत चला। क्यों ज्यादा तेज मत चला, जल्दी खत्म हो जाएगा यार, थोड़े मजे लेंगे वादियों के। पीछे धक्का मारेंगे, रुको धक्का मारो। तो गाइस काफी मजा आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है। पूरा एक चक्कर है साइकिल पे, खड़ा मत हो यहाँ पे, धक्का मारो। किसी चैन ना उतार दियो तू बस, कहीं चैन उतार दे, चैन लगाते रह जाएंगे अपने यहाँ पे, मैं तो कूद जाऊंगा भाई नीचे। तो गाइस देखो आगे, तो डर नहीं लग रहा? उतर जा पेडल, उतर एक बार, रुको पेडल। हो गया राउंड खत्म हो जाएगा यार, जल्दी रुक जाओ आधे घंटे तो यही पिकनिक मनाते, खाना पीना लाया हो गया। अब हमको आगे जाना ही पड़ेगा, हम सोचते थे थोड़ा देर रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा। पीयूष तो पैडल मार ही नहीं रहा है, मेरे धक्का आते रह रहे पीछे से, बस कैमरे का डर लग रहा है क्योंकि इतना भारी कैमरा मैंने उठा रखा है एक हाथ में। और नीचे देखो तेज चलते हैं, चल तेज आ जा तेज। ये ब्रेक तो लगती नहीं है ना इसमें? नहीं लगते कोई, एक और राउंड। काफी तेज चलते हुए हम, हम काफी तेज चलते हुए। ओए आवाज क्या आ रही है इसमें? ओए मत कर आवाज आ रही है। इस डंडे के ऊपर चल रही है साइकिल। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं
किसी रोकते नहीं है, किसी रोकते नहीं, आगे चलते जाते हैं। एक और चक्कर हो जाएगा अपना। चले एक और चक्कर। दो वाले आगे। चलो उतर उतर उतर। तो गाइस काफी मजा आया उसमें। अब हम जाते हैं, अब कहीं नहीं जाते, बस बाकी सारे यहाँ पे बंद ही पड़े हैं। अब लटका के छोड़ दो, छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। अरे भाग जाओ, कूद जाएगा यार तू। पीयूष जिद कर रहा है कि मेरे को इस ट्रेन वाले में ले जाओ, जो कि ट्रेन वाला छोटे छोटे बच्चों के लिए है यार। पीछे रहने दे यार, अरे बहुत छोटे बच्चों के लिए वो, ऐसी ट्रेन घूम रही है नीचे बस। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बंद पड़ी हैं कोरोना की वजह से, जो कि हम नहीं जा पाए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेन तो गुफा थी और साइकिल थी, वो हो गया। आप चलते हैं घर की तरफ, ऐसे कुछ खा नहीं रहे हम यहाँ से, इशारे जाएंगे वहीं से कुछ खा लेंगे। और अभी हम चलाएंगे R15। चलाऊं? अरे चला लिए। ये तो पता नहीं बाइक के साथ में रील्स बना रहे हैं भाई साहब, इनका अलग ही सिस्टम है। कुछ नहीं खा के आया था, भूख लगी। खा के तो मैं भी नहीं आया, मुझे भी लग रही भूख तो यार। एक रोटी खा के आया, मैं भी एक ही रोटी खा के आया। तो अभी खाएंगे थोड़ी देर में कहीं पहुंच के। चला के देखते हैं कैसी बाइक है, लग तो हल्की रही है उससे। मैं तो बस बाइक चला रहा हूँ, नहीं हाईवे पे नहीं यार, डर लगता है मेरे को भाई, अलग ही लग रही है मेरे को तो। कौन से गियर में है भाई, इसका तो पोस्टर ही अलग है। ड्यूक का तो आगे का हिलता है, बट इसका तो पूरा ही हिल रहा है, डर लग रहा है। हल्की है लेकिन ड्यूक से काफ़ी। पीयूष आगे गया, पीयूष को मैंने चिप्स लेने के लिए भेजा, उसको भूख लगी थी अर्जेंटली, तो मैंने कहा जा तू यार चिप्स ले आ, मेरे को तो मोड़ने में भी डर लग रहा है। आ जा पीयूषी, आ जा पीछे बैठेगा भाई, उससे तो बहुत हल्की लग रही है मेरे को ये। मैं कह रहा हूँ बैठ के फील लेके देख कैसी है, इसकी सीट ज़्यादा ऊँची है ना शायद, ऐसा लग रहा है कि सीधा ही जाएगा ये, ऐसा लग रहा है कमर में दर्द हो जाएगी। अंदर से घुमा के लाता हूँ भाई, अलग ही फील आ रही है यार, ऐसा लग रहा है भाई कमर मेरी दर्द हो जाएगी भाई। हाँ देख, इसकी सीट बहुत ऊँची है, इसकी सीट नीचे है और ये हल्की भी है। ये दिखाई तेरा पेट्रोल डलवाना बिल्कुल भी नहीं है, फुल कराएंगे आज पहली बार। 3:30 बज चुके हैं भाई, इसमें जो फीलिंग आती है ना वो मेरे को अब किसी में नहीं आती, आदत हो गई ना, आदत हो गई है। हाँ भाई स्प्लेंडर में तो ऐसी फीलिंग आती है कि क्या ही बच्ची साइकिल चला रहे हैं। पीयूष इस पे बैठ गया, पीयूष को ये वाली पसंद आ गई है। चलो जय हनुमान जी की। इट वॉज रियली वेरी ग्रेट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स। एक्चुअल में जो पोस्चर है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है पीयूष जब बैठा है ना, मतलब R15 तो R15 ही है। मैंने ग्लव्स नहीं डाले हैं बिकॉज अब ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। पेट्रोल डलवा लेते हैं, फुल कर दो। 562 का पेट्रोल आया इसमें, तुमको डलवाना है? नहीं डलवाना क्या? तो अभी सारे बिछड़ चुके हैं, वो पता नहीं कहीं पे मुड़ गए थे। फिलहाल मैं उनको मिलूंगा PLA में, मैं वहीं पे जाता हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है ना। तो अभी मैं आ गया यहाँ पे शॉप पे, जहाँ पे यूजुअली आता हूँ, आपने देखा ही होगा। मेरे को डेनिम जैकेट लेनी थी, जो कि मेरे को बस एक ही मिली, मेरे को 3-4 लेनी थी इस टाइप की कलर्स में, बट ब्लैक ही मिली ओनली। चलो मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ कैसी है। तो ये जैकेट है ब्लैक कलर की, देखो मुझे काफ़ी पसंद आई है इस पर। ये देखो यहाँ पे एक ही लिया, बिकॉज और कलर तो मुझे मिले नहीं, मुझे इसी टाइप की प्लेन में और कलर लेने थे। चौकड़ हो गया। क्या है? क्या है? ये मोमोज़ है भाई। अरे मोमोज़ ही है ये, मोमोज़ है भाई। भाई यहाँ पे मोमोज़ ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा इसको वो वाले मोमोज चाहिए थे, पीयूष का मूड खराब हो गया। अरे खाए जाएंगे, अच्छे हैं यार ऐसी। हमने तो रोल मंगाए थे अपने लिए, पीयूष ने मोमोज, और ये पता नहीं कैसे मोमोज आ गए, इसको नॉर्मल मोमोज चाहिए थे, पोपट हो गया पीयूष का। अनएक्सपेक्टेड मोमोज कैसे हैं? नहीं आया मजा। ये ठीक हो रही है मोमोज, इसको पसंद नहीं आया, अलग से चाप मंगाई है इसके लिए, अलग से बैठ के खा रहा है। नहीं मैं कैसे कहूँ, मैंने हेलमेट डाल लिया। अब जल्दी खा जल्दी, चले फिर। किस पे जाएगा, मेरे वाले बैठेगा इस पे बैठेगा? I get paid on rainy days, I might make it rain today, I got paid off pain today, thought it'd take the pain away,
in my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market for the low. Who the realest, we might never know. Mummy ji samne se aa rahe hain. Aur kaisa raha fir aaj ka din? आ जाओ चाय पियेंगे आ जाओ ओके। तो गाइस घर पे आ चुके हैं, फिलहाल फाइल पेस्ट कर रहा हूँ मैं। और GoPro की फाइल पता है इतनी ज्यादा बनी है ना। बाय द वे पीयूष का आज बहुत बड़ा पपड़ हो गया, पता क्या हुआ? इसने मोमोज मंगाए, पता नहीं क्या ही आ गया, व्यूनेस भर के आ गया कह रहा था। यार मोमोज तो थे ही नहीं वो, पता नहीं क्या था वो, मैंने भी खा के देखे थे, पता नहीं क्या था गाइस, वो मोमोज तो लग ही नहीं रहे थे। उसके बाद पीयूष ने अलग से कुछ और खाया और बस फिर आ गए थे हम। बाय द वे मैंने आने के बाद ये जैकेट डाल लिया, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो आने के बाद मम्मी को दिखाना होता है ना, फिलहाल अभी एडिटिंग करूंगा, मेरे को भूख तो लग नहीं रही है। खाना पीना हम रात को ही खाऊंगा मैं, 11-12 जब भी खाऊंगा। बाय द वे आज का एक्सपीरियंस बहुत मस्त था, मतलब तीन बाइक में इस तरह से गए ना, फर्स्ट टाइम गया था मैं इतनी दूर, और आए भी गए भी और फुल मस्ती भी किया और एक ही दिन में वापस आ गए। सभी ने डिनर कर लिया है, अभी सभी ऊपर आ चुके हैं। बाय द वे मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया। अब प्लान है कि मम्मी जी को वहाँ पर ले जाने का, गुफा में बहुत मजा आता है और वो मंदिर भी है। और साइकिल साइकिल मम्मी को साइकिल चलवाएंगे जब हमारी गाड़ी आएगी ना। बाय द वे मेरा खाना तो आ चुका है, ये रहा, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा एडिटिंग वगैरह करने के बाद 11-12 बजे जब भी। ठीक है भाई, बाय बाय बाय। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2:48 और अब जाके मेरा व्लॉग एडिट हुआ है। बहुत टाइम लग गया, 4 घंटे से भी ज़्यादा, बट वर्थ इट है, काफ़ी बढ़िया बना है। बाकी आप कमेंट कर देना आपको कैसा लगा है पूरे दिन का ट्रैवल का। और काफ़ी लोग बोले लंबा लंबा व्लॉग, तो ये लंबा हो गया काफ़ी टाइम के बाद। तो बताने का मेरे कैसा है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ऑडियो देखो यहाँ नहीं सो रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया, अपने बेड पे जाके सो रहा है, अलग ही उसके कभी सिस्टम अलग ही रहते हैं उसके। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Way it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my moves. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she icy. Freeze. Photo. Please. No photos. No. Jeez. No. Please.